हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम बात कर रहे थे गिंगो के बारे में। गिंगो जो कि जिम्नोस्पर्म है, गिंगो की हमने मॉर्फोलॉजिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी कि उसमें जो रूट स्टेम लीफ होती हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होती हैं और लीफ की क्या शेप होती है। उसके बाद हमने बात की थी इसके मॉर्फोलॉजी के बाद हमने इसकी एनाटॉमी के बारे में बात की थी। एनाटॉमी में हमने देखा था कि इसकी जो रूट की TS होती है, किसकी, किंगो की रूट की स्ट्रक्चर, देन स्टेम की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने लीव्स की बात की थी कि लीव्स में हमें कौन सी स्ट्रक्चर किस तरह से एनाटॉमी उसकी देखने को मिलती है, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्टेम में हमने बात की थी, ये देखिए स्टेम में ये सारा पोर्शन प्रेजेंट होता है और जो मेन इनका जो एक स्पेसिफिक करेक्टर वो क्या है, म्यूसिलस डक्ट का है। म्यूसिलस डक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ गिंगो में या हमें साइकस में देखने को मिलती है। अदरवाइज जैसे जितने भी जिम्नोस्पर्म में जैसे पाइनस है, टैक्सस है, एफिड्रा है, नीटम है, तो उसमें क्या है, म्यूसिलस कैनाल नहीं होती, रेजिन होती है। और आपको अगर ध्यान हो, जो रेजिन होता है उसका हम मेडिसिनल यूज़ एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी है उसकी, उसे उससे क्या है, मेडिसिन या एल्कलॉइड बनते हैं। किससे, रेजिन से, जो कि टॉनिक होते हैं एक तरह से फॉर नर्व पेन। ठीक है, तो रेजिन ड्रग्स जो होती हैं वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं कंपेरेटिवली म्यूसिलस ड्रग्स। तो यहाँ पर जो ये म्यूसिलस कैनाल है इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस या कोई फंक्शन नहीं है। तो ये पोर्शन हमें देखने को मिला था। एक और चीज़ हमने देखी थी कि इसमें क्या है, सेल कंटेनिंग स्फेरिफिड, जिससे मतलब क्या होता है, कैल्शियम क्रिस्टल ऑक्सीलेट प्रेजेंट थे, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल्स में। ये बात की थी स्टेम की। आगे हमने बात की थी लीफ की। तो लीफ की स्ट्रक्चर किस तरह से थी, लीफ में देखिए इस तरह से मैंने बताया हुआ है। जब भी हम लीफ की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो टू टाइप की सेल्स होती है उसमें। कॉर्टेक्स में जितना भी पार्ट होता है उसमें टू टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है पैलिसेड जो कि लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, जबकि दूसरी होती हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, जिनकी जो शेप होती है वह स्पंज लाइक होती है। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो गिंगो बाइलोबा की लीफ है, गिंगो बाइलोबा इसकी स्पीशीज है, इसकी जो लीफ है इसमें हमें इंट्रा सेलुलर स्पेस या एयर स्पेस देखने को मिल रहे थे, ये वाले एयर स्पेस। ठीक है, और म्यूसिलस कैविटी इसमें भी प्रेजेंट है। देखिए म्यूसिलस कैविटी इसमें प्रेजेंट है। और ये जो स्पेस होता है और ये जो सेल्स होती हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये क्या करती हैं, वाटर को भी स्टोर करती हैं, वाटर को स्टोर करके रखती हैं। इसलिए तो क्या होती है कि लीफ जो होती है वो मॉइस्ट होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये लीफ की स्ट्रक्चर थी। उसकी एनाटॉमी हमें किस तरह से देखने को मिलती है, वैस्कुलर बंडल किस तरह से अरेंज होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ऑल्सो। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी हम रूट की बात करते हैं तो उसमें एग्जार्च कंडीशन मिलती है, और जब भी स्टेम की बात करते हैं तो हमें एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जार्च और एंडार्क कंडीशन मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि एंडार्क में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरह से अरेंज होते हैं एंड इन एग्जार्च ऑल्सो। ओके, देन हमने बात की थी पिटियोल के बारे में। पिटियोल जिससे जो लीफ होती है स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती है, जिस स्टॉक से जुड़ी हुई होती है उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। पिटियोल जिसे हिंदी में बोला जाता है पर्णवृंथ। पिटियोल जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णवृंथ बोलते हैं। और पर्णवृंथ में हमने देखी स्ट्रक्चर किस तरह से। देखिए बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसके हमने पिटियोल की बात नहीं की थी, तो लेकिन इसमें हम बात करते हैं क्योंकि इसका जो है पिटियोल थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसमें वैस्कुलर बंडल देखिए किस तरह से, और इसमें भी हमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ये देखिए स्फेरिफिड्स, ये जो स्फेरिफिड्स यहाँ पर बने हुए हैं इसमें भी कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिफिड्स होते हैं। और जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं बटरफ्लाई शेप में, एज अ विंग्स, जैसे विंग्स होते हैं उस तरह से अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सक्लेरेनकाइमेटस होती है। वैस्कुलर बंडल की जो आउटर लेयर होती है सक्लेरेनकाइमेटस होती है फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसका काम क्या होता है, थिकनेस देने का काम होता है सक्लेरेनकाइमा का। आगे हम बात करते हैं किसकी। तो देखिए जो सक्लेरेनकाइमा वाला जो पोर्शन है कि ये जो पिटियोल है, पिटियोल में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। ये रहे इनर साइड क्या है, जाइलम है, और बाहर वाली साइड क्या है, फ्लोएम है। इस तरह से अरेंज होते हैं वेस्कुलर बंडल। आगे हम देखिए सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, किसमें, स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ किस लिए होती है। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ का जो मेन रीज़न होता है, द्वितीयक वृद्धि का मेन रीज़न क्या होता है, किसकी प्रेजेंस होती है, कैम्बियम की।
मैंने बताया था कैम्बियम जो होती है वो जाइलम को कट करती है, फ्लोएम को कट करती है, और जो स्टेम होता है वो विड्थ में ग्रोथ करता है, चौड़ाई में बढ़ता है, और क्या बनती है, वुड बनती है। वुड का हम दूसरा नाम सेकेंडरी जाइलम भी बोल सकते हैं। तो ये कैम्बियम देखिए, इसने अंदर वाले साइड जाइलम को कट किया, तो जाइलम कौन सा हो गया यहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और मेडुलरी रेज बनती हैं, मेडुलरी रेज बनती जाती है जिस तरह से ये कट करती जाती है। और ये देखिए, ये वाला प्राइमरी जाइलम है, और यहाँ पर ये जो कट हो चुका है वो कौन सा है, सेकेंडरी जाइलम है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट है। और इसमें भी हमें क्या है, स्फीरोफिट देखने को मिलते हैं, स्फीरोफिट्स कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉर्क कैम्बियम भी प्रेजेंट है। कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, देखिए कॉर्क कैम्बियम का काम होता है कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट को भी कट करती है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को भी इनर साइड से और बाहर साइड से कट करती जाती है, जिससे क्या होता है, जो तना होता है वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और उतनी वुड हार्ड बनती है, हार्ड बनती है। देखिए दो तरह से कैम्बियम प्रेजेंट होती है, एक कैम्बियम होती है वैस्कुलर बंडल में, दूसरी होती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी कट करती जाती है कॉर्टेक्स को, वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम होती है वो किसको कट करती जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम को, ठीक है। तो क्या होता है कि जो तना होता है वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है, और उतना ही थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और इसमें जो वुड बनती है, सेकेंडरी जाइलम से जो वुड बनती है, वो वुड हमें दोनों तरह की देखने को मिलती है। मैंने बताया था वुड दो तरह से बनती है, एक होती है पिकनोजाइलिक और दूसरी होती है मोनोजाइलिक। तो यहाँ पर जो है हमें दोनों टाइप की देखने को मिलेंगी, पिकनोजाइलिक भी एंड मोनोजाइलिक भी, ठीक है। तो ये होगी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम ऑफ गिंगो। आगे हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो देखिए इसमें जो है हमें डायोशियस कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें हमें डायोशियस कंडीशन, देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक होती है डायोशियस, एक होती है मोनिशियस। मोनिशियस में मोनो मीन्स होता है एक, और डाई मीन्स क्या होता है, दो। मोनो मीन्स होता है एक, डाई मीन्स होता है दो। यहाँ पर एक और दो क्या है, प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पर एक और दो प्लांट की बात हो रही है, जबकि एक और टर्म आपने सुनी होगी यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। देखिए ये जो टर्म्स होती हैं ये फ्लावर के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो टर्म्स होती हैं ये प्लांट के लिए यूज़ होती हैं। तो जब यहाँ पर डायोशियस बात चल रही है, तो यहाँ पर दो प्लांट्स आएंगे, और दोनों प्लांट्स पे एक पे तो मेल कौन प्रेजेंट होगा और दूसरे पे फीमेल कौन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बात आती है एक फ्लावर की, अगर वो बाईसेक्सुअल है तो एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो किसकी, फ्लावर की, तो उसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है डायोशियस की, तो यहाँ पर देखिए मेल कोन और फीमेल कोन जो है अलग अलग देखने को हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी, डायोशियस कंडीशन होगी। ये देखिए स्ट्रक्चर मेल कोन की, मेल कोन जिस पे क्या लगी हुई है, ये माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई है, और यहाँ पर ये लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं इस तरह से देखिए। और यहाँ पर ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है किसका, ये जो कॉन्स लगे हुए हैं, ये हमें कैटकिन टाइप का देखने को मिलता है। कैटकिन टाइप क्या होता है, देखिए इन्फ्लोरेसेंस का कैटकिन में इस तरह से ये जो स्टेम होता है, स्टेम के साथ जो फ्लावर लगे हुए होते हैं वो इस तरह से लटकती हुई स्टेज में होते हैं, इस तरह से लटकती हुई स्टेज में होते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो शहतूत का जो पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्रूट होता है, वो इस तरह से लटकती हुई स्टेज में मिलते हैं, शहतूत जिसे बोलते हैं, मोरस अल्बा जिसका बोटानिकल नेम होता है। तो शहतूत में जो ऐसे लटकी हुई स्टेज होती है, इसे हम बोलते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। और इसी तरह का हमें देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर ये कंडीशन ऐसे स्टेज में मिल रही है, तो इसे बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो ये हो गया मेल कोन। अगर हम बात करें इसकी स्पोरेंजिया की, तो देखिए
स्पोरेंजिया में देखिए आपको पता है आउटर वॉल्स होती हैं या आउटर वॉल लेयर्स होती हैं, जिसमें बाहर वाली होती है एक्सोथीशियम, उसके अंदर वाली होती है एंडोथीशियम। एक्सोथीशियम, एंडोथीशियम और जो सबसे इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टैपिटम, उसे बोलते हैं टैपिटम सेल्स, ठीक है। और जो टैपिटम सेल्स होती है उसका काम क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर्स ग्रोथ करते हैं ना, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है, टैपिटल सेल्स का होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वह किस तरह से होता है। जब भी डेवलपमेंट होता है तो पहले जो सेल्स बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल। क्योंकि यहाँ पर स्पोरेंजिया बनेगी तो इनिशियल सेल तो होगी, लेकिन कौन सी होगी, स्पोरेंजियल इनिशियल। और जब भी डेवलपमेंट होता है, जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट देखिए टू टाइप से होता है, या तो वो होगा मोनोस्पोरेंजिएट, या तो होगा मोनोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, या होगा यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। मोनोस्पोरेंजिएट या यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। मोनोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट फ्रॉम वन सेल, ओनली वन सेल। और इसमें क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए मोनोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। मोनो नाम से पता चल रहा है एक, तो जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो एक ही सेल बनेगी, उसमें डिवीज़न होगा, देन आगे सेल्स बनती जाएंगी। लेकिन यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पूरा पूरा डेवलप होता है। कुछ सेल्स क्या बनाती हैं, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू बना देंगी, कुछ सेल क्या बनाएंगी, वॉल लेयर्स बना देंगी। तो इस तरह से सेल्स का डिवाइडेशन हो जाता है। और वो अब इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है वो ऑलवेज कौन सा होगा, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होगा। यहाँ लिखा है यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ सेल है, बिहेव करेगी एज अ स्पोरेंजियल इनिशियल। और इसमें से जो कुछ सेल होंगी वो क्या बनाएगी, प्राइमरी वॉल बनाएगी, और जो दूसरी सेल्स होंगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे डिवीज़न करेगा, ये देखिए सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। और इसी तरह से जो प्राइमरी वॉल लेयर है ये भी डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी, वॉल लेयर्स की फॉर्मेशन करेगी, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी जैसी हमने यहाँ देखी थी। तो इस तरह से किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पोरेंजिया की। कौन सी, माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में इस तरह से आगे क्या बनेंगे, ये देखिए स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और इसमें म्योसिस होगा, देन क्या बनेंगे, स्पोर टेट्राड बनेंगे। स्पोर टेट्राड की जो चार जो सेल्स होंगी उसको हम बोलते हैं फोर सेल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, और उस माइक्रोस्पोर को हम पोलिन ग्रेन भी बोलते हैं। ये तो होगी माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे हम बात करते हैं फीमेल कोन की। तो फीमेल कोन की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है किसकी, फीमेल कोन की। और ये जो लगे हुई हैं दो, ये एक क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया जिसमें क्या बने हुए हैं दो, देखिए मैंने बताया था जो मेगास्पोरेंजिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दो ओव्यूल लगे हुए हैं, यहाँ पर ये क्या है, दो ओव्यूल है, मीन्स यहाँ पर दो मेगास्पोरेंजिया लगी हुई हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है किसकी, फीमेल कौन की है, फीमेल पार्ट की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। आगे देखिए कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर, किसका ओव्यूल, गिंगो का ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में न्यूट्रिटिव पार्ट था टैपिटम, उसी तरह से जो मेगास्पोरेंजिया होती है इसमें जो न्यूट्रिटिव पार्ट है, जिसका काम पोषण देने का है, न्यूट्रिशन देने का है, वो काम होता है न्यूसिलस का। और अंदर जितना भी टिश्यू है वो बिहेव करेगी एज अ स्पोर मदर सेल। देखिए इसमें किस तरह से होता है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो स्पोरोजिनस पूरा टिश्यू होता है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। और इसमें भी क्या होगा, म्योसिस होगा। इसमें भी ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होगा, म्योसिस होगा, देन क्या बनेगी, फोर सेल्स बनेगी। और फोर सेल्स में से मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे ये है MMC, मेगास्पोर मदर सेल है, और इसमें जब डिवीज़न होगा म्योसिस क्या होगा, म्यूसिस जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो इसमें फोर सेल बनेंगी हैप्लोइड, जबकि ये खुद कैसा है, डिप्लोइड है।
ठीक है, तो ये फोर सेल में से जो तीन होती हैं, ये जो थ्री सेल होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो एक सेल होती है वो बिहेव करती है एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, जैसे कि हमने टेक्सस में भी बात की थी, ठीक है। तो ये बिहेव करेगी एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, यही डेवलप होगी आगे, ठीक है, इसे ही हम मेगास्पोर बोलेंगे। और ये मेगास्पोर बनेंगे किस में, मेगास्पोरेंजिया में, मेगास्पोरेंजिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करें ओव्यूल के, गिंगो बाइलोबा के ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होती है। मैंने आपको बताया था इसमें जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एक तो होगा यूनिटैगमिक और दूसरी कंडीशन होगी ऑर्थोट्रोपस। यूनिटैगमिक मींस, यूनि मींस क्या होता है, यूनि मींस होता है वन, टैगमिक मींस होता है इंटैगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटैगमेंट जो होगा वो एक ही होगा, देखिए यहाँ पर इंटैगमेंट एक ही होगा, पर जो इंटैगमेंट है उसकी लेयर्स तीन होंगी, इंटैगमेंट एक ही होगा लेकिन लेयर्स तीन होंगी, सबसे आउटर लेयर, सबसे इनर लेयर और बीच में जो प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे मिडल लेयर। और मैंने बताया था जो आउटर और इनर लेयर होती हैं वो फ्लैशी होती हैं और जो मिडल लेयर होती है वो स्टोनी होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर, ये मिडल लेयर है, ये स्टोनी है, जबकि इनर और आउटर क्या है, फ्लैशी हैं। और यहाँ पर क्या है, टेंट पोल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, तो इस जगह को हम बोल देते हैं टेंट पोल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोलन चैम्बर भी बना हुआ है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ये एंड है माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल जिसे हिंदी में बीजांड द्वार बोलते हैं, जहाँ से जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की एंट्री होगी। उसके बाद यहाँ पर दो क्या लगी हुई होती हैं, आर्किगोनिया लगी हुई होती हैं, ये देखिए इस तरह से दो आर्किगोनिया, आर्किगोनिया जिसे हिंदी में स्त्रीधानी बोला जाता है वो लगी हुई होती हैं। ये इंटेगमेंट वाला पार्ट हो गया, पोलन चैम्बर हो गया, आर्किगोनिया लगी हुई हैं। और इसके बाद जो जितना भी सेल्युलर पार्ट है, ये जितना भी सेल्युलर पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आउटर लेयर हमें दिख रही है, ये वाली जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस क्या होएगा, जो न्यूसिलस है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाएगी, और जो डिस्ट्रॉय होएगी तो न्यूट्रिशन देती जाएगी इसको, आर्किगोनिया को, फिर ये आगे डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉलर देखने को भी मिलते हैं, कॉलर्स यहाँ से इस तरह से, और एक अबोर्टिव ओव्यूल देखने को मिलता है, अबोर्टिव ओव्यूल जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टेराइल स्ट्रक्चर, इसे हम बोल सकते हैं स्टेराइल स्ट्रक्चर, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बस ऐसे ही मतलब लगी होती है लेकिन उसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता। और ये क्या होता है, मैंने बताया था कि जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म का वो स्टॉक्ड होता है, स्टॉक्ड होता है, एक स्टॉक लगा हुआ होता है नीचे। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, ओव्यूल की, गिंगो बाइलोबा का ओव्यूल। आगे हम बात करें, देखिए इसके पोलन ग्रेन की, वो तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको पता है, पोलन ग्रेन में आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। और इस पोलर न्यूक्लियाई ही जाके आगे फ्यूज होगा किसके साथ, आर्किगोनिया की एग सेल के साथ। होगा क्या, जब इसकी डोरमेसी स्टेज चल रही होगी, उसके बाद जब इसका टाइम होगा फर्टिलाइजेशन का, जर्मिनेशन का, तब क्या होगा, एक्साइन जो होती है वो फट जाती है, एक्साइन फट जाती है, और जो इंटाइन होती है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डेवलपमेंट होता कैसे है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब तक का, सबसे पहले ये देखिए ये एक्साइन है, एक्साइन यहाँ से कटना शुरू हो गई है, और यहाँ से इसकी आउट ग्रोथ होती जाएगी, ये देखिए इस तरह से, और एंड में क्या बनेगी, एक पोलन ट्यूब बन जाएगी। और इसमें जब अंदर जो सेल्स बनेगी, जो न्यूक्लियस बनता है वो किस तरह से बनता है, पहले यहाँ पर देखिए एक स्टॉक सेल बनती है और एक बॉडी सेल बनती है, बॉडी सेल, इस बॉडी सेल को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजिनस सेल्स, इस बॉडी सेल को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजिनस सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक और बनेगी स्टॉक सेल, और ये वाला पार्ट क्या है, पोलन ट्यूब का,
और पोलन ट्यूब में ये प्रेजेंट है क्या, पोलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, पोलन ट्यूब का। ये देखिए, ये जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब तक की फॉर्मेशन हुई है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कि पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा तो क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब फीमेल गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन या फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन तो होगी कैसे, कि मैंने बताया अभी फोर सेल्स बनेंगी, फोर में से तीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ये देखिए डीजनरेटिंग मेगास्पोर होंगे, और एक जो सबसे बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। अब इस मेगास्पोर में होता क्या है कि देखिए, जब सेल्स में जब डिवीज़न होता है तो दो तरह से होता है, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो जब भी कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तब सेल्स का नंबर बढ़ेगा। यहाँ पर होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है जिससे जो न्यूक्लियस होते हैं उनका नंबर बढ़ता चला जाता है, और सीनोसेंट्रिक कंडीशन में देखने को मिलती है। सीनोसेंट्रिक या बहुकेंद्रीय अवस्था देखिए, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, फ्री न्यूक्लियाई, एक ही सेल है, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वे धीरे धीरे पेरीफ्री की ओर, परिधि की ओर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस हैं पेरीफ्री की ओर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और सेंटर में क्या बन जाएगी, वैक्यूल बन जाएगी। वैक्यूल का काम आपको पता है, वैक्यूल का काम होता है जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का। आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो वैक्यूल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होती हैं, वैक्यूल्स काफ़ी स्मॉल होती हैं। बिकॉज जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होते हैं, डेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे। तो उससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता रहता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें जो आउटर होती है लेयर, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, वो काफ़ी थिक होती है, तो वहाँ से एक्सचेंज नहीं होता है, और जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। तो वैक्यूल क्या होती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल वैक्यूल बन गई, और उसके बाद अब ये जितने भी न्यूक्लियस थे, ये जितने भी न्यूक्लियस बने हुए थे, इन न्यूक्लियस पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल की फॉर्मेशन होगी। सेल की फॉर्मेशन होगी तो ये सेल्युलर पार्ट बन जाएगा। इस सेल्युलर पार्ट को ये हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हिंदी में स्त्री युग्मक उद्भिद बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए टेंट पोल प्रेजेंट होते हैं, और ये वाला आर्किगोनियल चैम्बर है जहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, आर्किगोनिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि आर्किगोनिया किस तरह से बनेंगी। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें जो आर्किगोनिया बनती है वो किस तरह से बनती है, देखिए ये देखिए आर्किगोनिया की फॉर्मेशन। ये एक आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर है, एक स्त्री धानी की। देखिए जो आर्किगोनिया होती है उसमें हमें तीन तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें से ये वाली जो सेल्स होती हैं यहाँ तक, ये होती हैं NCC मीन्स नेक कैनाल सेल्स, और ये वाली होती हैं VCC, ये होती हैं वेंट्रल कैनाल सेल्स। ठीक है, दो तरह से, ये तो नेक कैनाल सेल होती हैं, ये वेंट्रल कैनाल सेल होती है, और जो यहाँ पर होती है उसे हम बोलते हैं एग सेल। ये एक आर्किगोनिया है, क्या है ये, एक आर्किगोनिया। तो देखिए नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग सेल, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वही होगा क्या, आर्किगोनियल इनिशियल और डेवलपमेंट इज एज ऑलवेज यूस्पोरेंजिया टाइप का होगा। ये देखिए कुछ सेल नेक सेल बनेंगी और कुछ सेंट्रल सेल की तरह बिहेव करेंगी, और उसके बाद यहाँ देखिए सम सेल्स बिहेव्ड एज नेक सेल्स, सम शोज वेंट्रल कैनाल सेल, एंड जो मेन एक फंक्शनल होती है उसे बोलते हैं एग न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग न्यूक्लियस है, ये नेक सेल्स है और वेंट्रल कैनाल सेल्स है। यहाँ पर क्या है, हमें स्टार्च ग्रेन भी देखने को मिलती है। देखिए जब आर्किगोनिया या एग न्यूक्लियस डेवलप होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, तो जो जाइगोट होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिशन किससे मिलता है, स्टार्च से मिलता है, स्टार्च ग्रेन से। ठीक है, तो ये होती है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आगे देखिए इसमें जो एम्ब्रियोजेनी देखने को मिलती है, एम्ब्रियोजेनी आपको पता है कि इसमें जब एम्ब्रियो, जैसे जाइगोट बन गया, यहाँ पर पोलन ग्रेन की एंट्री होगी, देन एग सेल फ्यूज होगी पोलर न्यूक्लियस से, किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो जब एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, मीन्स हमें पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलती है, कि जो एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो डिवीज़न होता है वो असिमेट्रिकल होता है,
असममित होता है तो काफ़ी सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से पोली एम्ब्रियोनी में देखने को मिलती है। ठीक है, वो तो था आर्किगोनिया की, जाइगोट, देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड बनेगा। और जो ओव्यूल है वो ओव्यूल ही सेम सीड की तरफ उसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन क्या होती है कि जो कुछ जो जैसे जो जैसे इंटेगोमेंट वगैरह था वो किस में चेंज हो गया, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है। वो देखिए कैसे, कि जो इंटेगोमेंट थे वो किस में चेंज हो गए, ये आउटर फ्लैशी लेयर है हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में चेंज हो गए। ठीक है, एक तो आउटर जो लेयर है उसे जो इंटेगोमेंट होता है उसे हम कोटिलीडन्स बोलते हैं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड इंटेगोमेंट चेंज इंटू कोटिलीडन्स। और यहाँ पर देखिए, यह हाइपोकोटाइल पार्ट है और ये एपिकोटाइल पार्ट होता है। स्टोनी लेयर जो होती है इंटेगोमेंट की वो प्रेजेंट है, उसी तरह से इनर फ्लैशी लेयर भी प्रेजेंट है। और ये जो बीच वाला पार्ट है सेलुलर पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो सीड है, सीड से क्या होगा, ये रेडिकल वाली स्ट्रक्चर होगी, ये सीड है ये रेडिकल वाली स्ट्रक्चर ग्रोथ करेगी यहाँ से, और ये प्लूम्यूल वाली स्ट्रक्चर है जो लीव्स बनाएंगी। रेडिकल पार्ट क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा, और ये प्राइमरी लीव्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी, नए न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। अगर हम गिंगो की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए, ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट काफ़ी यूज़फुल है इन पार्क्स एंड गार्डन्स ऑल्सो। और जो इसके एडिबल पार्ट, अगर एडिबल पार्ट की बात करें तो इसके जो सीड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, अदरवाइज इसकी जो वुड होती है वो यूज़लेस होती है, जबकि जो पाइनस की वुड होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। तो इस तरह से इसकी कुछ खास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका एक लाइफ साइकिल देख लीजिए आप, और ये बना लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ गिंगो। तो ये यहाँ पे गिंगो कंप्लीट।